बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुनियो दुनिया आखरी
करी अनेकों बंधनी इश्क लिया कई जन करी अनेकों बंधनी इश्क लिया कई जन का हो नजिका हो नजिक सो कित मिला सजन भाग बड़े है तुम सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े हैं तुम तबक के खाबंद कर कर गए उपाय चौदे तबक के खाबंद कर कर गए उपाय एक पर्दा सबन पर इत पर्दा सबन पर सोइत दिया पुराए भाग बड़े हैं तुम सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े हैं तुम जो लोहे पर देने जोलो थे पर दे मिले दुनिया उड़ी तब दुनिया उड़ी तब जो पर्दाब खोलिया जो पर्दाब दिया मन चाह या सुख सब भाग बढ़े हैं तुम सुनियो दुनिया आखरी भाग बढ़े हैं तुम जो कब कानो सुनी जो कब कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम भाग बढ़े है तुम सुनियो दुनिया आखरी भाग बढ़े है तुम भाग बड़े है तुम सानी पानी सागर सागर धनी सा धनी धनी पद
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्री महामति कहे ए मोमिनो याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत, कायम करने कयामत। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुकम। प्रणाम जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना था कि श्री जी दिल्ली पहुंचे हैं और औरंगजेब को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास के क्रम में कैसे आशाजीत वकील के साथ बातचीत होती है, नबी और नारायण की वास्तविकता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, और नबी तथा नारायण की सनंद में विरोधाभास किस लिए है, वास्तव में विरोधाभास होना चाहिए अथवा नहीं चाहिए, इस विषय में हमने चर्चा सुनी कल। अब श्री लालदास जी इससे आगे की भी तक बताते हुए कह रहे हैं कि सुंदर साथ अभी श्री जी के साथ लाल दरवाजे की हवेली में ठहरे हैं। वहाँ पर श्री जी ने लालदास जी और गोवर्धन जी को आदेश दिया कि आप जाइए और किसी मौलवी से बात कीजिए, देखिए कि कुरान में क्या बातें लिखी है, हमारे विषय में कौन कौन सी साक्षियाँ दी हुई है, आप जाकर मौलवी से पूछिए। प्रश्न ये हो सकता है किसी सुंदर साथ के मन में कि श्री जी सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्हें मौलवी के पास भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसका कारण ये है कि श्री जी स्वयं की साक्षी नहीं देंगे। इस संसार में भी तो अगर स्वयं ने कोई कार्य किया है अथवा नहीं किया है, निर्दोष है अथवा दोषी है, यह तो कोई दूसरा ही प्रमाण देकर के बताता है। वैसे ही श्रीराज जी चाहते हैं, श्री जी चाहते हैं कि मुझे मैं स्वयं जाहिर ना करूं। ये स्वयं अगर कुरान के प्रमाण से प्रमाणित करेंगे तो सुंदर साथ के अंदर भी और जोश आ जाएगा और वो खुद भी मानेंगे, जो प्रमाण दे रहे हैं उनको भी ये बात माननी पड़ेगी। ऐसा विचार कह करके इन दोनों सुंदर साथ को, लालदास जी और गोवर्धन जी को, मौलवी के पास भेजा। दोनों गए, जाकर के मौलवी से बात की तो उन्होंने देखा कि मौलवी जब कुरान की बातें बताता जा रहा है, कुरान के विषय में, लालदास जी को पहचान हो गई। कहते हैं ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान। लालदास जी को इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि ये तो हमारे घर की, हमारे परमधाम की ही बातें बता रहे हैं। अब गोवर्धन जी के मन में क्या था, कहते हैं गोवर्धन जी के दिल में डर रहे मुसलमान, पोहरा औरंगजेब का जिन कोई सुने कान। कि गोवर्धन जी सोच रहे हैं कि अगर हम कुरान की बात बताते हैं, मुसलमानों से डर है कि ये हमें मार न डालें, क्योंकि अगर
हमने जाकर श्री जी से कह दिया कि श्री जी साहब कुरान में तो हमारी बातें लिखी है, परमधाम की बातें लिखी है, श्री जी खुद तो जाएंगे नहीं, हमें ही भेजेंगे, तो मरना हमें पड़ेगा, ऐसा उनका सोचना है। इसीलिए गोवर्धन जी ने लालदास जी को कहा कि हमें ये बात श्री जी को नहीं बतानी चाहिए कि कुरान में हमारी परमधाम की बातें लिखी है, ये बात बतानी नहीं चाहिए। लालदास जी कहते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या हमारा ईमान ऐसा ही है? अगर हम इतना डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? दोनों में रास्ते में विरोधाभास हुआ। कहते हैं, तिस वास्ते झगड़ा भया, लाल बातें करे मिने जोश। लालदास जी तो जोश में बात कर रहे हैं अभी, उनको तो पहले से एक तो दृढ़ ईमान है। ऐसा नहीं कि गोवर्धन जी के अंदर ईमान नहीं है, उस विषय में बाद में चर्चा करेंगे, पहले लालदास जी के सकारात्मक पक्ष की चर्चा करते हैं कि उनके अंदर ईमान भी है तथा जागने के लिए जोश भी है। इसलिए उन्होंने जोश में कहा कि नहीं, हमें तो ये बातें श्री जी को बतानी चाहिए। दोनों रास्ते में दोनों की लड़ाई हुई, मतलब बातों से, शब्दों से, और दोनों लाल दरवाजे में पहुँचे। लेकिन गोवर्धन जी लालदास जी से पहले पहुंच जाते हैं किसी तरह से, और श्री जी वहाँ पर विराजमान है एक ऊंची अटारी पर। वहाँ जा कर के गोवर्धन जी कहते हैं श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कि आज जो भी बातें हुई थी कुरान में परमधाम से संबंधित, उन बातों को वो दोहरा देते हैं कि श्री जी परमधाम में तो हमारी बातें, ब्रह्म सृष्टियों की बातें हैं, पहले जो लालदास जी को मना कर रहे थे। अब लालदास जी भी वहाँ पर पहुँचे तो जैसे ही बातें सुनी तो लालदास जी को लगा कि ये मेरे सामने तो कह रहे थे कि श्री जी को ये बातें बतानी नहीं चाहिए क्योंकि हमें मरने के लिए भेजेंगे, और अभी आकर के श्री जी के सामने अच्छा बनने के लिए, या यूँ कह सकते हैं आजकल बोलचाल की भाषा में कहें तो नंबर कमाने के लिए, श्री जी के सामने नंबर बनाने के लिए उन्होंने पहले ही अपना पक्ष रखा और जैसा लालदास जी के सामने कह रहे थे उसके विपरीत शब्दों में उन्होंने कहा कि परमधाम में तो हमारी ही बातें लिखी है। अब लालदास जी को जोश आया, लालदास जी ने कहा कि श्री जी साहब, हमारा इन चटाई पर मन रहत कछु और, चटाई का मतलब जहाँ पर हम बैठते हैं, श्री जी साहब ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, सभी सुंदर साथ नीचे चटाई पर बैठते हैं, तो लालदास जी कहते हैं कि आपके सामने जब हम चटाई पर बैठे होते हैं, कहते हैं मन रहत कछु और, तब तो हमारा मन किसी और प्रकार का हो रहा होता है, और यहाँ सेती उठ जात है तब चहन न रहे बैठो, और यहाँ से उठने के बाद जैसी शांति अथवा जैसे शांत हम यहाँ पर होते हैं, जैसे अच्छे हम आपके सामने बनते हैं, वैसे हम यहाँ से उठने के बाद नहीं होते, वैसा ईमान हमारा नहीं रहता। अब गोवर्धन जी को गुस्सा आया, क्रोध आया, और उन्होंने कहा कि ये तो तुमने मुझे ही कहा है, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? अब लालदास जी कहते हैं कि मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, लालदास जी ने नाम नहीं लिया था, लेकिन जैसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर गलती की है तो फिर समझ में आ जाती है कि किस विषय में बात हो रही है। गोवर्धन जी को भी क्रोध आया, और जब इस प्रसंग को श्री जी ने पूरी तरह से सुना, कहते इन समय श्रीराज को नूर जोश चढ़ियो जोर। श्री जी को लगा कि जिनके भरोसे मैं जागने के लिए आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ, जिनके भरोसे मैंने इतना बड़ा कार्य सिर पर लिया है औरंगजेब को जगाने का, वही अगर आपस में इस तरह से विरोध करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए अब ऐसा जोशाया कह रहे हैं, आए जबराइले जोरा किया, असराफिले किया सोर। अब जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफिल और जोश का फरिश्ता जबराइल, उनके अंदर अभी जोश आ रहा है, और उस जोश में श्री जी ने ऐसी बातें कही कि कारखाना कागद का ए सौंप्या लालदास। कागद का कारखाना मतलब धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलने की जो शक्ति है वो लालदास जी को दे दी, और उन्होंने कहा कि भीम भाई तथा मुकुंददास जी को कि आप जाइए और जा करके उदयपुर में जा करके जागने का कार्य कीजिए। गोवर्धन भट्ट जी को कहा कि आप सूरत चले जाइए, और फिर कहते हैं कि हम स्वयं अनूप शहर जाएंगे। अब जोश में आकर के उन्होंने शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति की शोभा दी, धर्म ग्रंथों को खोलने की शोभा लालदास जी को दी, तथा मुकुंददास जी को तारतम्य ज्ञान की शोभा दी।
जागृत बुद्धि की शोभा भीम भाई जी को दिया और फिर सबको अलग अलग जगहों पर भेजते हुए कहा कि हम अब अनूप शहर जाते हैं। ये तो एक घटना है। इस घटना से हमें शिक्षा क्या मिल रही है? इससे अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं मिलती है। सबसे पहली शिक्षा ये, जो कि जिस विषय में मैंने विचार किया व्यक्तिगत रूप से, मेरे व्यक्तिगत भाव हैं, जब हम इस प्रसंग की चर्चा किया करते हैं तो सभी चर्चा करने वाले सुंदर साथ तथा चर्चा सुनने वाले सुंदर साथ यहाँ लालदास जी और गोवर्धन दास जी के ईमान के विषय में तुलना करते हैं कि लालदास जी की पहचान इतनी थी, उनके अंदर इतना ईमान था, वो श्री जी के लिए अपना शत प्रतिशत कुर्बान करने के लिए, अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे, औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन गोवर्धन दास जी ऐसे नहीं थे। गोवर्धन दास जी डर गए और उन्होंने सोचा कि हम श्री जी से झूठ बोलेंगे, बात छिपाएंगे। शाब्दिक दृष्टि से जब हम बीतक के इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो आपकी बात सही है, लेकिन जब हम इस पर विचार करते हैं तो ये बात समझ में आती है, लालदास जी की अपनी महिमा है, उन्हें उनके त्याग के कारण, उनके समर्पण श्रद्धा और सेवा भावना के कारण इतनी बड़ी शोभा मिली कि उनके तन से बीतक लिखवाई गई, तो हम उनमें और गोवर्धन जी में तुलना नहीं करेंगे। हमें तुलना करनी चाहिए इस तरह से कि अगर हम उस स्थान पर होते, आज जैसी हमारी अवस्था है, जैसा हमारा ईमान है, राज्य के प्रति जैसा हमारा समर्पण है आज, तो हम उस स्थान पर होते तो क्या करते? क्योंकि दोनों के बीच में जब तुलना करते हैं, लालदास जी और गोवर्धन जी के, तब हमारी बात एक तरफ से सही है कि गोवर्धन जी का ईमान लालदास जी के जितना नहीं था, लेकिन क्या हमारा ईमान गोवर्धन जी जितना भी है? लालदास जी की बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन गोवर्धन जी से भी जब हम हमारी तुलना करते हैं तो उनसे आप थोड़ी देर सोच के देखिए कि जब श्री जी सूरत में थे तो सुंदर गोवर्धन जी को पता चला कि इस तरह से श्री जी साहब सूरत पहुंचे हैं, वो अपने घर परिवार के साथ में आए और सारी सुंदर साथ की सारी सेवा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था, सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। समर्पण की जो पराकाष्ठा होती है वो कौन सी होती है? जहाँ कहीं भी समर्पण की पराकाष्ठा की बात आती है तो वहाँ पर जान देने की बात की जाती है। हर स्थान पर, जैसे इस संसार में अगर देखें तो सांसारिक प्रेमियों की बात तो बहुत दूर की है, इस संसार में कोई मातृभूमि के लिए, कोई जमीन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, कोई संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, वो एक समर्पण की अंतिम अवस्था है जहाँ पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया जाता है, क्योंकि शरीर के भाव को ही त्याग देना, शरीर को ही छोड़ देने की बात सोच पाना, ये है समर्पण की अंतिम पराकाष्ठा। क्योंकि एक जीव के लिए, चेतना के लिए सबसे बड़ी बात ही यही होती है कि वह जिंदा रहे। इस संसार में अगर आजकल जो महामारी फैली हुई है, अगर किसी अमीर व्यक्ति को हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है, तो वो अपने तरफ से लाखों रुपए खर्च करके भी चाहता है कि जीवित रहे। कोई व्यक्ति अगर किसी तरह का अपराध कर लेता है, कोई ऐसा अपराध जिसमें क्षमा नाम का कोई शब्द ना हो, अगर उसको फांसी होनी निश्चित है तो वो प्रार्थना करता है जज से कि मुझे फांसी ना दे करके आजीवन उम्र कैद दी जाए भले ही, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। वो जेल में ही सही, लेकिन जिंदा रहना चाहता है। एक बोलचाल में कहावत कही जाती है कि मर जाने से तो पागल होना अच्छा होता है, मरने से पागल होना बेहतर है। लोग सोचते हैं कि कैसे भी रहे, जीवित रहे, वेंटिलेटर में रख करके, ऑक्सीजन दे दे करके भी जीवित रखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि चेतना जो जीव है वह शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, चेतना शरीर से बाहर जाना नहीं चाहती, उसका एक मोह होता है। तो
अपना सर्वस्व न्योछावर करने का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि शरीर को भी त्याग देने की, शरीर का कोई मोह न रखना, शरीर को त्याग देने की भावना रखना, ये तो अंतिम पराकाष्ठा है। मतलब जहाँ शत प्रतिशत समर्पण हो, जहाँ वहाँ ही ये बात आ सकती है जो कि लालदास जी की अवस्था है। लेकिन गोवर्धन जी की अवस्था 100% की भले ही ना हो, लेकिन उस अवस्था से बिल्कुल पास में है। गोवर्धन जी इस अवस्था के बिल्कुल नज़दीक हैं। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा है श्री जी के लिए, सारी सेवा कर रहे हैं, अपने धन को उन्होंने न्योछावर कर दिया है, मन भी बहुत हद तक राज्य के चरणों में उन्होंने सौंप दिया है। लेकिन जहां बात आई, जहां उनको लगा कि हमें मरना पड़ेगा, मरने से उनको डर लगा, मतलब अंतिम अवस्था तक तो वो पहुँच चुके हैं, बस एक अंतिम कसौटी वो पार नहीं कर पाए। हमारी स्थिति वो नहीं है कि हम दोनों के बीच में तुलना करके जज बने और ये कहें कि गोवर्धन जी के अंदर ईमान नहीं था, गोवर्धन जी ने श्री जी की पहचान नहीं की थी। हमारी खुद की अवस्था वैसी है ही नहीं। दोनों के बीच में तुलना करने की हमारी हैसियत नहीं है। हमें तो तुलना कैसे करनी चाहिए कि क्या गोवर्धन जी ने जितना ईमान दिखाया, जितना समर्पण किया, जितनी सेवा उन्होंने की, क्या हम उतना भी कर सकते हैं? आज अगर जागनी के लिए आवश्यकता पड़ जाए, आज तो राज्य की मेयर से, वैसे तो तब भी जान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, थोड़ा डर था, लेकिन जागनी की राह पर चलते हुए मृत्यु किसी की भी तो नहीं हुई। लेकिन फिर भी अगर परीक्षा के रूप में भी हमें कह दिया जाए कि अगर आप जान दे देंगे, मतलब जागनी के लिए अगर आप अपना सब कुछ लुटा देंगे, शरीर का समर्पण कर सकते हैं कि नहीं? हम नहीं कर सकते। यहाँ परीक्षा थी गोवर्धन जी की, और परीक्षा भी हर कोई नहीं दे पाता है। पास होना अलग बात है कि कोई उत्तीर्ण हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, ये अलग विषय है। लेकिन परीक्षा भी हर कोई नहीं दे पाता है। जिसने साल भर परिश्रम किया होगा वही परीक्षा देने की हिम्मत रखता है। जैसे हम बोलचाल में कहावत कहते हैं ना कि गिरता वही है जो चलने का प्रयास करता है, अथवा घोड़े पर चढ़ने वाला ही गिरता है। इसी तरह से वाणी में ऐसी अवस्था का वर्णन करते हुए महामती जी कहती हैं, महामती कहे परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल। जो पहले से निर्मलता की राह पर चल चुके हैं, अपने जीव को निर्मल बना चुके हैं, उन्हीं की परीक्षा होती है। अब जीव भाव से तो गोवर्धन जी निर्मल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो छोटी सी माया जो किसी न किसी रूप में आती है ना, जैसा कि वाणी में कहते हैं हंसी बिना कोई ना रहे, तो कहीं ना कहीं हंसी करानी होती है। इसलिए गोवर्धन जी के माध्यम से एक समस्त सुंदर साथ को सिखापन दिया जा रहा है कि हमें जागने की राह में अगर ऐसी अवस्था है तो क्या करना है। अब उन्होंने जो एक छोटी सी भूल की, उस छोटी सी भूल के कारण अब जब तक भी ब्रह्मांड रहेगा, जब तक भी बीतक सुंदर साथ सुनते रहेंगे, तब तब इस प्रसंग में लालदास जी को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और गोवर्धन दास जी को जब भी प्रस्तुत करेंगे तो लोग खलनायक के रूप में ही प्रस्तुत करेंगे। जबकि जो इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो चर्चाकार हो, चाहे बीतक करने वाले लोग हों या सुनने वाले लोग हों, अगर किसी भी ब्रह्म मुनि को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें समझना चाहिए, हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि हमारी स्वयं की रहनी इतनी ऊंची नहीं है कि हम उन दोनों स्थान में जजमेंट दे सकें। क्योंकि जज कौन होता है, न्यायाधीश कौन होता है? जो वादी और प्रतिवादी से अलग हो, जो दोनों से अच्छा हो, जो दोनों से ऊपर हो, वही जजमेंट दे सकता है, वही न्याय कर सकता है। तो हमें यहाँ पर जज बनने की आवश्यकता नहीं, हमें इस प्रसंग से सिखापन लेकर के स्वयं में सुधार करने की आवश्यकता है। ये सिखापन हमें बीतक के इस प्रसंग से प्राप्त हो रही है। अब श्री जी ने सब सुंदर साथ को वस्तु बांट दी, जागृत बुद्धि, जोश, तारतम ज्ञान, धर्म ग्रंथों को खोलने की शक्ति। और अगले दिन सुबह ही श्री जी अनूप शहर के लिए रवाना हुए। आषाढ़ का महीना चल रहा था और आषाढ़ तथा सावन के महीने में लगातार बारिश होती है। कहते हैं महीना था आषाढ़ का, बरखत धारा अखंड, अनवरत रूप से बारिश हो रही थी।
पोठी ऊपर बैठ के पहुँचे अनूप शहर तत्खिन। श्री जी ऊँट गाड़ी पर बैठ करके अनूप शहर जा रहे हैं और रास्ते में क्योंकि लगातार बारिश में भीगने के कारण, एक तो जोश की शक्ति के कारण, सुंदर सात का वैसा व्यवहार देख करके श्री जी को जो जोश आया था, और क्योंकि जीव भाव से जो मिहिरराज जी का जीव है वो अधिक विचार कर रहे हैं, और कभी कई बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि किसी विषय में आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, तब भी शरीर में ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और ऊपर से बारिश हो रही है, जोश के कारण जो शरीर गर्म हुआ है, बारिश हो रही है, जिसके कारण श्री जी का पेट छूटा तहाँ जाए के कछु ना रही हद, वहाँ जा कर के श्री जी को दस्त लगने शुरू हो गए। माणिक भाई जी साथ में हैं, उन्होंने औषधि दी, दवाई दी। अब श्री जी की अवस्था ऐसी हो गई कि बार बार उनको नित्य शौच के लिए जाना पड़ता था दस्त के कारण। तो श्री जी की अवस्था को देख करके कहते, डर के लालबाई रोई ले धनी की ओट। धाम धनी मूल स्वरूप को याद करते हुए लालबाई जी रो पड़ी। तो श्री जी ने उन सुंदर साथ को, लालबाई जी तथा जितने सुंदर साथ श्री जी के साथ में थे, उनको दिलासा दिया, सिख और दिलासा देते हुए कहा कि फिरी न मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो हुक्म। अभी तो मेरी ऐसी अवस्था नहीं आई है, मेरा तन छूटने वाला नहीं है, मेरी सूरता परमधाम अभी नहीं जा रही है, ऐसी बात होगी तो मैं आप सबको सूचित कर दूंगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और उस समय उस बखत जबराई ने बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर। कादर, कादर का मतलब है सामर्थ्यवान। सामर्थ्यवान परमात्मा के अर्थात श्री राज जी के हुक्म से उतरे कलाम, कलाम मतलब वाणी, शब्द वाणी अवतरित हुई वहाँ पर, और सनंद ग्रंथ जिसका अवतरण हुआ अनूप शहर में, जिसमें कलश के शुरुआती लगभग 12 प्रकरण अवतरित होते हैं, और बाद में कुरान के अलग अलग प्रसंगों को, कुरान के अलग अलग रहस्यों को खोलने वाले 30 प्रकरण वहाँ पर अवतरित हुए। तो उस सनंद ग्रंथ को तैयार किया। अब कहते हैं, सनंद लिख तैयार करी विचार देख सुकन, एह बानी सुन के पीछा न हटे मोमिन। सुंदर सात सहित श्री जी विचार कर रहे हैं सनंद की वाणी को देख करके कि कोई भी सनंद की वाणी को पढ़ेगा तो वो जागने के लिए पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसमें कल की चर्चा में हमने सुना था कि इस्लाम की वास्तविकता क्या है, मुसलमानों की वास्तविकता क्या है, इस्लाम और हिंदू मत में अंतर किस बात का है, विरोध किस बात का है, वो सारी बातें सनंद ग्रंथ में लिखी हुई है। तो इस वास्तविकता को समझने के बाद अब कोई भी जागनी की राह से अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। अब ए बानी सुन के कोई न फिरे ईमान, जब पहुँचे सकुमार को टुक टुक होवे सुल्तान। अगर औरंगजेब तक भी ये बात पहुँच गई, सनंद ग्रंथ अगर उसने पढ़ लिया, तो साकुमार भी, औरंगजेब भी इस वाणी को सुन करके, इस वाणी को पढ़ करके टूक टूक होंगे, अर्थात वो स्वयं भी फिदा हो जाएंगे, समर्पित होंगे। अब वहाँ पर जो पाठक थे, जिनके वहाँ पर पहले भी जा चुके थे श्री जी, उन्होंने देखा श्री जी को, उनको थोड़ा सा भी संशय हो रहा है, क्योंकि पहले आए थे तो वेशभूषा तो पहले भी हिंदू की ही थी, लेकिन कतिपय पक्ष की बातें उन्होंने सुनी नहीं थी। अब तो सनंद ग्रंथ वहाँ पर अवतरित हुआ, तो उसको, उस प्रसंग को देख करके उस पाठक को लगा, उस चौधरी को, कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उसके मन में संशय आया। अब उसने सोचा कि चलो फिर भी कोई बात नहीं, ये साधु लगते हैं। उन्होंने श्री जी को अपने घर में पधराया, वहाँ पधरा करके अब श्री जी ने बातें की कि यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, यहाँ तक कैसे आए हैं, सारी बातें उन्होंने सुनी। अब श्री जी ने शेख बदल को हुक्म दिया, कहते हैं, हुआ हुक्म हक का शेख बदल ऊपर, जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुशखबर। ये जो खुशखबरी है, खुशखबरी कौन सी, सनंद ग्रंथ के अवतरण होने की। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वाणी का गायन सुना था कि तुमको देऊँ सुख जागनी साथ मेरे सिरदार, तो उसमें एक चौपाई आती है कि सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। भीम भाई, मुकुंद दास जी, जितने सुंदर साथ हैं उन सभी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमने सनंद ग्रंथ के माध्यम से मोहम्मद की जो पाती है, मतलब वो जो संदेश लेकर के आए थे कुरान रूपी,
उसको पढ़ा है, उसको पाया है, जिसके द्वारा हमने अपने धाम की, परम धाम की वास्तविकता को, उसकी हकीकत को समझा है। अब शेख बदल जी वहाँ से श्री जी को प्रणाम करके, श्री जी से विदा होकर के आए, सनन ग्रंथ लेकर के अपने सिर पर रख करके ग्रंथ लेकर के आते हैं। और दिल्ली जैसे ही पहुँचे तो जुम्मे का दिन था, जुम्मा मतलब शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार का नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि जुम्मे का नमाज मुसलमान बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उस दिन शेख बदल वहाँ गए ईदगाह में। उन्होंने सोचा कि आज मैं किसी भी तरह से संदेश पहुँचा करके रहूँगा, और वहाँ जा कर के शेख बदल ने सनंद की वाणी का गायन करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं शेख बहुत पुकारिया, देखा दज्जाल का बड़ा जोर। शेख बदल जी ने देखा कि पुकार तो मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दज्जाल बहुत ही जोर पर है, अर्थात बहुत ही शक्तिशाली है। दज्जाल अर्थात अज्ञानता, जिसको हिंदू धर्म में अथवा हिंदी भाषा में कुछ लोग कलयुग कहते हैं, कुछ लोग अज्ञानता कहते हैं, माया कहें, कुछ भी कहें, तो वह दज्जाल सबके अंदर बैठा था और सभी जाहिरी मुसलमानों के अंदर बैठ करके वो केवल जाहिरी रूप को देख रहे थे, जाहिरी शब्दों को, भाषा को देख रहे थे। और वो उन्होंने क्या कहा, कोई कहे हिंदू भी मिने लिखे एह कलाम, क्योंकि ये हिंदी भाषा में लिखी गई है इसलिए हम इसको मान नहीं सकते। बाता तो बरहक है, इनमें बातें तो निश्चित रूप से सत्य है, पर हमें रवा नहीं इस ठाम, हमें आपकी बात यहाँ पर मंजूर नहीं है। अब ऐसी बातें सुन करके शेख बदल जी परेशान से हुए कुछ, और अपने घर वापस गए जहाँ वो ठहरे हुए थे। गनी बेग की हवेली में पहुँचे, वहाँ जा करके भी उन्होंने एक सनंद की वाणी का गायन किया, और उस सनंद के प्रकरण का नाम था बिना एक मोहम्मद। उस प्रकरण में मोहम्मद साहब की महिमा बताई गई है कि मोहम्मद साहब की पहुंच वास्तव में कहां तक है। इस संसार में बहुत बड़े पैगंबर हुए, नूरनामा नामक एक ग्रंथ है जिसमें 120,000 पैगंबरों का नाम लिखा गया है। तो बहुत सारे ऐसे पैगंबर हुए जिन्होंने सोचा कि हमने परमात्मा को पा लिया है, हमने परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया है, लेकिन उस प्रकरण में ये बात, ये सच्चाई बताई गई है कि मोहम्मद साहब के अलावा और किसी भी पैगंबर ने खुदा का दीदार प्राप्त नहीं किया। कहते हैं कई लाले लाल कहा वहीं पर हो गई सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। कि उनके अलावा और किसी ने भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद का मतलब कल ही हमने सुना था, मोहम्मद शब्द का मतलब ये नहीं कि ये मुसलमानों का धर्म शुरू कर दिया इसलिए उनको हमें मानना नहीं चाहिए। जिनको हम हिंदू परंपरा में क्षर अक्षर और अक्षरातीत कहते हैं तो उनको ही वो ला इलाह और इलिल्लाह कहते हैं। तो जो इलाह है, जो अक्षर है, अक्षर की सूरता ही मोहम्मद के रूप में आई है, जिन्होंने अक्षरातीत का दर्शन किया, दर्शन की रात्रि अर्थात सबे मेहराज में। तो उनकी महिमा उस प्रकरण में जब बताई गई तो एक मुसलमान सैयद था वो बोल पड़ा। कहते हैं तब एक सैयद बोलिया बात जहल की लिए जिद, कि ये तो जाहिलों जैसी बातें हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो, इतने सारे पैगंबर हुए, एते पैगंबर भए तिन काहू ना ही नाम, इतने सारे पैगंबर हुए क्या उनका नाम लेना उचित नहीं था तुम्हारे लिए, तुम तो एक मोहम्मद साहब को ही मान रहे हो जबकि वो खुद मुस्लिम है, लेकिन फिर भी उसको पहचान नहीं है। दुनिया में जितने पैगंबर हुए उन सब ने अपने अपने समय पर आकर के जबराइल के जोश के द्वारा समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया, धर्म से जोड़े रखा, एक परमात्मा से जोड़े रखा, लेकिन परमात्मा का दर्शन उनके अलावा और किसी ने भी नहीं किया था। यहाँ तक कि जिन मूसा पैगंबर को बहुत चमत्कारी बताया जाता है, जिनकी महिमा बहुत अधिक बताई जाती है, मूसा पैगंबर ने भी खुदा का दीदार नहीं किया था, खुदा की सूरत का दीदार नहीं किया था, केवल उनके नूर की थोड़ी सी झलक उनको प्राप्त हुई थी कोहतूर पर्वत में, और उसके कारण कोहतूर पर्वत भी जल करके भस्म हो गया था, ये कथन उनके ग्रंथों में पाए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि उनके मोहम्मद साहब के अलावा और किसी ने भी खुदा का दीदार नहीं किया, लेकिन अब जाहिरी मुसलमान जिनको खुद मोहम्मद साहब की भी पहचान नहीं है ये ऐसी बात बोल रहे हैं। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ इत, उत से पीछे फिर के घरों आए तित। अब वहाँ से वापस लौट करके शेख बदल घर में आए। अब दो चार दिन के पश्चात
श्री जी का जब स्वास्थ्य भी ठीक हो चुका है तो श्री जी अनूप शहर से वापस आए दिल्ली, और दिल्ली आकर के शेख बदल जी को बुलवाया और पूछा कि आपको जो सेवा हमने सौंपी थी कि ये ज्ञान पहुंचाना है, बात कहां तक पहुंची? शेख बदल जी ने अपनी सारी बीतक कही। कहते हैं, मैं तो बहुत पुकारिया, इनो पीठ दई तरफ हक, इन्होंने परमात्मा की तरफ से पीठ दे रखा है। और उनसे पीठ देने का मतलब है माया की तरफ, संसार की तरफ मुख देना। कहते हैं, कोई कलाम हिंदवी का ल्यावत है दिलसक, काहू दिल में कुफर, कोई बात कहे बुजरक। शेख बदल जी कहते हैं कि कोई तो इसे हिंदी भाषा का मान करके नकार देते हैं, कोई कहते हैं कि ये बात तो सही है लेकिन उनके दिल में कुफर अर्थात बेईमानी है जिसके कारण वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। अब फिर से बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अब पुनः लालदास जी और गोवर्धन दास जी दोनों को श्री जी कहते हैं कि आप जा कर के शेख सलेमान से मिलो कि देखते हैं क्या वो मिलने देता है कि नहीं, जैसे पहले वो प्रयास कर चुके हैं। देखिए, इस चौपाई को पढ़ते पढ़ते एक विचार आ रहा है मेरे मन में। आज अगर हमारी ऐसी परिस्थिति होती, लालदास जी और गोवर्धन दास जी के बीच में एक विवाद हुआ है उस समय के लिए, क्योंकि आपस में विवाद होने पर इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अब श्री जी से तो लालदास जी भी प्रेम करते हैं, गोवर्धन जी भी प्रेम करते हैं, श्री जी तो धामधनी है दोनों के लिए। तो श्री जी के सामने गोवर्धन जी की छवि किसी न किसी रूप में खराब तो हुई ही थी। अगर आज की तरह, आज हमारी जैसी स्थिति है ना, आज हमारी जैसी रहनी होती उनकी, तो दोनों साथ में अब जागने का कार्य नहीं करने जा रहे होते। इतना होने के बावजूद भी कि उन दोनों के विवाद के चलते श्री जी ने दिल्ली छोड़ा, श्री जी अनुपसर गए, सबको बंटवारा तक कर दिया, इतना बड़ा विवाद हुआ, उसके बावजूद भी कुछ दिनों के बाद फिर से दोनों साथ में जागने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमें ये बात समझनी चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मिशन अथवा लक्ष्य। हमारे आपसी व्यक्तिगत विचार से अथवा व्यक्तिगत विचारों के भेद से, मत भेद से मन भेद नहीं होना चाहिए। मत भेद चल जाता है क्योंकि सबके, कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुंडे हैं मतलब जितने सिर हैं बुद्धि भी उतनी होती है, जितनी बुद्धि होगी विचार करने की क्षमता उतनी होगी, तर्क उतने अलग अलग होंगे। तो सबकी विचार करने की क्षमता और विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, तो मतभेद होना स्वाभाविक है, मन भेद नहीं होना चाहिए। अब दोनों साथ में जा रहे हैं लेकिन शेख सलेमान क्या करता है, कहता है आज मिलाऊं कल मिलाऊं, ये फिरते मास भय दोए। इस तरह से जाते जाते शेख सलेमान ने 2 महीना वैसे ही बर्बाद कर दिया। कवि कहता है, कहे पहले तो इन वेशों मिलत नहीं सुल्तान। ऐसे वेशभूषा से, तुम लोगों ने जो हिंदुओं का वेशभूषा धारण किया है, इससे तो तुम सुल्तान से नहीं मिल सकते। वेश तुम्हारा अगर तुम बदलो तो मैं तुम्हें सुल्तान तक तुम्हारी बात पहुंचा सकता हूं। अब ऐसे विचार करते करते 2 महीने बीत गए। श्री जी सहित सुंदर साथ लाल दरवाजा छोड़ करके सराय रोहिल्ला आए हैं और वहाँ उन्होंने सोचा कि सनंद की वाणी को ही, जो वासनंद की वाणी अवतरित हुई है, उसको ही हम अगर फारसी में अनुवाद करें तो हो सकता है कि उन्हें पहचान हो जाए इस सनंद की वाणी से। तो उन्होंने सोचा कि लेकर के आते हैं। दयाराम जी जो कि दिल्ली के ही रहने वाले थे, उनको हुक्म हुआ, कहा कि जाकर के आप एक ऐसे मौलवी को लेकर के आइए जो सनंद का अनुवाद कर सके। तो कायम मुल्ला के लड़के को दयाराम जी लेकर के आए और उन्होंने उनको वेतन दे करके रख लिया महीने भर के लिए। तो लिखते लिखते, लिखने के क्रम में एक संवाद लिखवाया श्री जी ने, शेख जी मिराजिए का संवाद। और कहते हैं, तीन में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद, उसमें निजानंद दर्शन की अथवा और साथ साथ में इस्लाम मत की वास्तविकता लिख करके बताई। शेख जी मिर्जी का बयान नाम से यह पुस्तक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। जितने सुंदर साथ, जो भी सुंदर साथ चाहते हैं, मेरे विचार से शायद ये ज्ञानपीठ के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, अन्यथा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में संपर्क कर सकते हैं कि शेख जी मिराजिए के बयान नामक पुस्तक में क्या बात लिखी गई थी। तो उस
उस पुस्तक के अंदर ये सारी बातें लिखी थी, कयामत के सारे भेद लिखे गए थे। अब उनकी जिल्द बांध करके श्रीजी ने सुंदर सात के द्वारा रुक्का तैयार कराया, रुक्का मतलब चिट्ठी, और फिर सुल्तान के जितने भी नज़दीकी लोग थे उन तक वो बातें पहुंचाने का प्रयास किया। कहते हैं, पुकार करी घर घर, सब देखे मुर्दार, राह खुदाई के वास्ते कोई न हुआ खबरदार, खुदाई राह पर चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब सुल्तान औरंगज़ेब का एक उस्ताद था, उस्ताद मतलब धर्मगुरु, जिसका नाम था शेख निज़ाम। शेख निज़ाम के घर पर भी कुछ दिनों तक गए सुंदर साथ, लेकिन देखा कि ये सिर्फ नाम का शेख है, नाम का धर्मगुरु है, लेकिन इसे धर्म की कोई पहचान नहीं है। कहते नालायक देखा इस्लाम, ये इस्लाम के लायक नहीं है। अब वहाँ पर एक सूरत का सौदागर आते हैं चांदनी चौक में, श्रीजी का दर्शन किया। श्रीजी का जब दर्शन किया तो उसने कहा कि मेरे पास में एक किताब है दज्जालनामा। दज्जालनामा ग्रंथ में क्या बात बताई गई है कि दज्जाल की वास्तविकता क्या है, दज्जाल की शक्ति क्या है, मतलब माया की, कलयुग अज्ञानता की शक्ति क्या है। तो श्रीजी ने कहा लालदास जी को कि आप जा करके देखिए इस ग्रंथ में क्या बात लिखी गई है। अब कहने को तो कह दिया उस सूरत के सौदागर ने, लेकिन उसको उसके मन में लालच आई कि वो ग्रंथ में नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा, एक दिन दो दिन करते करते मना कर दिया। फिर कहता है कि मेरे पास में तफसीर हुसैनी है, और तफसीर हुसैनी भी मुसलमानों के बीच में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तफसीर का मतलब है टीका, जो कि हुसैन साहब के द्वारा की गई है। तफसीर हुसैनी को इस्लाम मत में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, कुरान की एक टीका है। तो लालदास जी ने उन्होंने पूछ लिया कि इसमें क्या बात लिखी है। उसने कहा कुरान अर्थ पारसी है जाहिर सब ऊपर। ये इस ग्रंथ में तफसीर हुसैनी में कुरान का अनुवाद किया है फारसी भाषा में, और मुसलमानों में ये सर्वोपरि मानी जाती है। तो लालदास जी ने श्रीजी के आगे अर्ज की कि तफसीर हुसैन के विषय में उन्होंने बताया। श्रीजी ने लालदास जी को कहा कि तुम जाकर के किताब, वो किताब लेकर के आओ। लालदास जी गए पुनः उस सौदागर के घर में। ऐसे चार दिन तक उसने कहा कि मैं कल देता हूँ, और मना करते करते लालदास जी को लगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये देना ही नहीं चाहता है। तो उस समय में श्रीजी के पास में दयाराम जी बैठे हुए थे। श्रीजी से उन्होंने कहा कि आप श्रीजी साहब मुझे ये आदेश दीजिए, मैं ये सेवा करता हूँ। श्रीजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप जा कर के ले आइए, मैं उसे देखना चाहता हूँ क्या लिखा है। तो श्रीजी के हुक्म को सिर चढ़ा करके उन्होंने, दयाराम जी ने खोज करनी शुरू की, और जा करके जहाँ पर पुस्तक इत्यादि उपलब्ध होते थे वहाँ जा करके कहा कि हमारे कुछ पड़ोसी हैं जो मुसलमान हैं, और इन्होंने ये किताब मंगाई है तफसीर हुसैनी। तो 40 रुपये की उन्होंने किताब बताई, 40 रुपये दिया उन्होंने, तो उसमें से 2 रुपये वापस कर दिए। उस समय के 2 रुपये की कीमत बहुत अधिक हुआ करती थी। अब दयाराम जी खुश हुए कि श्रीजी ने एक सेवा सौंपी थी मुझे, और मैं उन्हीं की मेहर से इस सेवा को पूरी कर पाया हूँ। वहाँ से तफसीर लेकर के श्रीजी ने आए। अब उसको देख करके श्रीजी प्रसन्न हुए और उस सुंदर साथ को आदेश दिया। कायम मुल्ला, जिनके बेटे के द्वारा श्रीजी अनुवाद करा रहे थे, तो कायम मुल्ला को श्रीजी ने वो तफसीर दी और कहा कि इसका मायना करके, क्योंकि फारसी भाषा में थी ना, तो उसका अनुवाद करके सुनाने के लिए कहा। अब सबसे पहले कहते हैं प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत इन पढ़ी जामे तीन तकरार। सबसे पहले इन्ना इंजुलना नामक एक सूरत को पढ़ा, कुरान में सूरतें हैं अलग अलग, उसमें तीन तकरार के विषय में लिखा गया है। तीन तकरार कौन कौन से हैं? ताकि तीन तकरार कहे शोभय तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। तो तीन तकरार ब्रज रास और जागनी के विषय में उसमें लिखा गया था। वो सारी इशारतें अब जैसे पढ़ते जा रहे हैं एक तरफ से खुलते जा रहे हैं। कहते हैं हम ही थे ब्रज रास में, हम तीसरे आए इत, ये तो वही बात है जो हमको कही तित। तित का मतलब श्री देवचंद्र जी ने जो बात पहले से कह रखी थी कि कुरान में हमारी ही बातें लिखी गई है, ये तो वही बातें हैं। हम ही ब्रज में थे, रास में थे, अब यहाँ पर हम ही आए, ये तो कुरान में हमारी ही बातें लिखी है। फिर कहते हैं इन्ना आते ना सूरत पढ़ी मुल्ला ने, जब यमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब। उसमें जिसको हम वाणी के द्वारा यमुना जी कहते हैं उसे जोए कहकर वर्णित किया गया है, हौज कोसर ताल का वर्णन है उसमें। तो उसको पढ़ा
कहते हैं जब चोट लगी श्री राज को आया ऐसा हाल। वैसे तो राज जी को चोट नहीं लगती, चोट लगने का तात्पर्य यह है कि मिहिर राज जी के जीव को वह बातें बहुत ही अच्छी लगी और वहाँ से उठने का मन नहीं किया और तीन रोज लग सेज से उठ ना सके तब सुने सुकन तफसीर में कलाम रब्बानी। जब जब रब्बानी कलाम सुनी, कुरान की बातें सुनी, वहाँ से तीन दिन तक उठ नहीं पाए। श्री जी ने अब जो बातें कायमुल्लाह के द्वारा सुनी थी उन बातों को सभी सुंदर साथ के बीच में रखी कि ये बातें लिखी गई है, अब उन्होंने वहाँ से पाती लिखवाई। कहते हैं सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम, अपने घर की इशारतें परम धाम की हमारी इशारतें और न समझे कोई, हमारे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि कुरान पढ़ते 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 इतने वर्ष बीत गए, लगभग 1400 वर्षों से मुसलमान कुरान पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ अभी 11वीं सदी चल रही है तो लगभग 1000 साल से अधिक हो गए मुसलमान कुरान पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी परम धाम का पता नहीं है, किसी को परम धाम की पहचान नहीं है। कहते हैं हमारे घर की जो इशारतें हम ही समझ सकते हैं और कोई तो समझे, जो कोई दूसरा हो, दूसरा तो तब समझ सकता है क्योंकि उसके लिए तो लिखा ही नहीं गया। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक घर में पति पत्नी रहते हैं और पति ने सोचा कि शाम को मैं अपने ऑफिस के जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी सहकर्मचारी हैं, उनको भोजन करवाता हूँ। तो पत्नी से कह करके सारी व्यवस्था वो करवाता है, सारी उनकी चीज़ें हो जाती है। व्यवस्था हो जाने के बाद शाम को उनके कर्मचारी आते हैं भोज के लिए, पार्टी के लिए। तो भोजन होने के पश्चात अब मिठाई के रूप में हो सकता है या कोई चीज़ उन्होंने फ्रिज में रखी है, तो पति पत्नी को इशारा करता है, आँखों से इशारा करता है। पत्नी समझ जाती है, समझ करके जाती है, फ्रिज खोलती है, जो सामान ला करके देना होता है, मिठाई या जो भी, वो दे देती है। पता कैसे चला? क्योंकि जिसने जिसको इशारा किया उसको पहले से ये बातें बता रखी है। तो उन दोनों के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। वही इशारा किसी और व्यक्ति को किया गया होता तो कोई नहीं समझ पाता। इसका मतलब ये है कि हम ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए कुरान की वाणी अवतरित हुई हो। इसीलिए उन्होंने कहा और कोई तो समझे, जो कोई दूसरा हो। इस तरह से पाती लिख करके सब जगह पे श्री जी ने भिजवाई। अब कहते हैं इन समय नौतनपुरी से आए पहुँचे प्रेमदास, नागजी संग जी शामिल आए प्रमोदने की आस। अब नौतनपुरी से तीन सुंदर साथ आते हैं, प्रेम जी, नाग जी और संग जी। बिहारी जी को लगा कि हमें तो अब पूछने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि उनकी खुद की तो चर्चा होती नहीं थी, स्वयं तो चर्चा करते नहीं थे, जो सुंदर साथ बन रहे थे उनको भी तोड़ रहे थे। तो बिहारी जी की स्वयं की रहनी देख करके उनकी चर्चा से कोई नया व्यक्ति नहीं जोड़ रहा था। मिहिरराज जी जब तक साथ में थे तब तक तो बिहारी जी के ठाठ थे, लेकिन अब जैसे ही श्री जी साहब पूरी तरह से अलग हो गए तो अब बिहारी जी कि वो महिमा नहीं रही। तो उन्होंने सोचा कि अगर मिहिरराज जी वापस आ जाते हैं, श्री जी साहब वापस आ जाते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। प्रेम जी, नाग जी और संग जी को उन्होंने गादी का वास्ता दे करके, श्री देवचंद्र जी का वास्ता दे करके श्री जी को प्रबोध करने के लिए भेजा था। वहाँ आए, वहाँ आकर के देखा, कहते हैं आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात। अब यहाँ तो सिर्फ मोहम्मद साहब की चर्चा हो रही और इस विषय की चर्चा तो इन्होंने पहले कभी सुनी नहीं थी, क्योंकि वहाँ तक तो कते पक्ष की चर्चा हो नहीं रही थी। अब वहाँ जब चर्चा सुनी, कहते हैं जब रूबरू भय राजसों तब बातें करे मिने जोश, आप आड़े कछु ना देखहीं इलम था फरामोश। अब श्री जी के सामने बैठ करके जब चर्चा सुन रहे हैं, जोश की चर्चा सुन रहे हैं, तो चर्चा सुनते सुनते जब चर्चा करी हजूर ने, दई श्री देवचंद्र जी की पहचान। आप अक्षरातीत श्री जी साहब ने जब चर्चा की तो उन सुंदर साथ को वहाँ साक्षात श्री देवचंद्र जी दिखाई पड़े। कभी उनको श्यामा जी दिखाई पड़ रहे, कभी राज जी, कभी देवचंद्र जी। उनको लगा कि देवचंद्र जी तो असल में यहाँ पर विराजमान है। उन्होंने देख लिया, आड़ी का लीला उनके साथ हुई। अब कहते हैं जो बात कही मोहम्मद ने सोई रूह अल्लाह कलाम। श्यामा जी ने भी वही बात की है
और मोहम्मद साहब ने भी वही बात की है कुरान में, मिला दिखाई दोनों इनों को, ए हुआ ए दीन एक इस्लाम। अगर धर्म की वास्तविक पहचान, सच्ची पहचान करनी है तो वेद कतेब दोनों पक्षों को हमें एक करके देखना पड़ेगा। अब इस तरह से जब बात सुनी, कहते हैं हम श्री देवचंद्र जी को इत देखें भाई हमको पहचान। सभी सुंदर साथ के बीच में उन तीनों ने स्वीकार किया, प्रेम जी, नाग जी और संघ जी ने, कि हमने यहाँ पर श्री देवचंद्र जी का दर्शन किया और हमें इनकी पहचान हो गई है और हमें अब इनके ऊपर कोई भी शक नहीं है, कोई भी संशय नहीं है और अब हम यहाँ से सभी सुंदर साथ को पत्र लिखेंगे कि हम सब अब तक भूल कर रहे थे। तो उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है इत, तुम ईमान ले आइयो जो कोई होवे जित। जो कोई भी सुंदर साथ जहाँ जहाँ भी हैं, हमने श्रीजी साहब के अंदर ही श्री देवचंद्र जी को देखा है, इसीलिए सभी श्रीजी साहब के ऊपर ईमान लेकर के आए। अब यहाँ से सबको पाती लिख करके उन्होंने भेजी, सो पाती सब ठोरों को दई सबों पहुँचाए। अब कहते हैं शेख बदल और नाग जी एक ठौर किए जब, संग जी शामिल होए के ताम खिलाया तब। शेख बदल और नाग जी को एक करने का क्या तात्पर्य है कि शेख बदल जी वो भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ है लेकिन मुस्लिम तन में, नाग जी भी परमधाम के सुंदर साथ हैं वो हिंदू तन में है, तो दोनों को जब एक कर दिया गया और उसमें संग जी शामिल हो गए तो अब सबके अंदर का जो कुफर है, सबकी बेईमानी है वो समाप्त हो गई। कहते हैं कुफर सारा दिल का भाग गई सब शक, एक दिन होए मिले ल्याय ईमान ऊपर हक। हिंदू मुसलमान सभी एक हो गए। अब वहाँ पर ये सभी सुंदर साथ 22 दिन तक रहते हैं। ये 22 दिन का तीसरा प्रसंग है। संपूर्ण बीतक में चार बार 22 दिन के प्रसंग का वर्णन है। सबसे पहले जब श्री देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान से पहले मिहिरराज जी पहुँचते हैं तब वो 22 दिन तक रहे होते हैं। जब श्री जी पहुँचते हैं सिद्धपुर तो सिद्धपुर में 22 दिन तक रहते हैं भगवान दास रेवादास के साथ। ये तीसरी बार का प्रसंग है। प्रेम जी, नाग जी और संघ जी आए हैं तो ये 22 दिन तक श्री जी के साथ रहे हैं। आगे एक और प्रसंग आता है उज्जैन के अंदर, जब श्री जी पहुँचते हैं तो वहाँ 22 दिन तक रहते हैं और वहाँ उत्सव रस्य इत्यादि होते हैं। अब 22 दिन के बाद उन तीन सुंदर साथ में से प्रेमदास जी, इनको लगा कि नहीं श्रीजी साहब ही सब कुछ हैं, अक्षर आतीत हैं, हम मुझे उनको छोड़कर के कहीं नहीं जाना है, तो वो श्रीजी के साथ ही रहे। बाकी दोनों नाग जी और संघ जी गए बिहारी जी के पास। अब होता क्या है, जैसे लालदास जी ने कहा ना हमारा इन चटाई पर मन रहत कछु और, तो वैसे ही श्री जी के पास से जाते ही कहते हैं जब इत से पीठ दई तब घेरे शैतान। श्री जी से अलग होते ही शैतान ने घेर लिया, माया ने घेर लिया, बस बसा करने लगा, छीन लिया ईमान। अब दोनों के ईमान को उसने छीन लिया, क्योंकि जब वहाँ पर पहुँचे बिहारी जी के पास तो बिहारी जी इनका प्रणाम ही स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि तुमको तो देवचंद्र जी वहीं पर दिखाई पड़ रहे थे, जब देवचंद्र जी वहीं पर हैं तो क्या करने के लिए यहाँ पर वापस आए हो, मैं गादी पर बैठा इसका मतलब मेरी तो कोई इज्जत नहीं रही। इसलिए उन्होंने बात नहीं सुनी, उठ करके भाग गए, गादी छोड़ करके भाग गए। अब इन्होंने पीछे पीछे जा करके बिहारी जी को मनाना शुरू किया। अब बिहारी जी कहते हैं कि अगर मुझे मनाना है, अगर मुझे धामधनी के रूप में गादी पर वापस विराजमान देखना चाहते हो तो तुम वापस जिन जिन सुंदर साथ को तुमने पहले पत्र लिखा कि उधर जा करके श्री जी के ऊपर ईमान लेकर के आना, उस चिट्ठी को नकारने के लिए, उस विषय को नकारने वाली अलग से चिट्ठी लिखो। अब ये क्या करते हैं, तो ईमान की परीक्षा ऐसी अवस्था में होती है। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं फेर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फिरन की। अपने फिरने की मतलब ईमान उनका फिर गया है, इस बात की उन्होंने पाती लिखी। और उस पत्र में क्या लिखा कि मत कोई ले आइयो ईमान तरफ श्रीजी साहेब जी, श्रीजी साहेब जी के ऊपर ईमान कोई लेकर के मत आना। अब जब ऐसी चिट्ठी लिखी तो बिहारी जी महाराज खुश हो गए, वापस गादी पर आकर के विराजमान हुए। अब कहते हैं
एक किस्सा इत का कहिया जो आया बीच दरमियान, अब कहूँ ए बीतक जो लड़ाई सुल्तान। ये तो एक बीच का किस्सा था, औरंगजेब की जागनी के प्रसंग के चलते चलते ये बीच में तीन सुंदर सात आए थे जिनका प्रसंग मैंने सुनाया। अब आगे सुल्तान के साथ कैसी लड़ाई हुई उस विषय को मैं फिर से आगे बढ़ाता हूँ, ऐसा श्री लालदास जी कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, रोहिल्ला खान की सराय में बैठ किया विचार। अब सराय रोहिल्ला खान में बैठ करके विचार किया कि अब हमें करना क्या है। रिजवी खान के घर के आसपास रिजवी खान को जगाने के लिए अथवा उनसे औरंगजेब से मिलने का कोई उपाय जानने के लिए 10-20 दिन तक साथ में गए। शेख निज़ाम के घर में एक महीने तक भटकते रहे, लेकिन कहीं से कोई उपाय नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक शेख वाजिद नाम का फकीर था, तो 10 बार उनके पास भी गए, उन्होंने कयामत के विषय में बातें सुनी। फिर कहते हैं, करी सोहबत सागर मल्लसों, घरों गए 10 बार, उनके घर में भी 10 बार गए जाकर के बीतक सुनाई। देखिए, किसी के घर में 10-20 दिन तक जा रहे हैं, किसी के वहाँ 1-1 महीने तक, जागनी इतना आसान नहीं है। हमें तो आज कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आज डरने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है और बने बनाए मंच में जा कर के चर्चा कर देना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तो इनको रास्ता बनाना है। सबसे पहले जो रास्ता बनाता है वह सबसे कठिन काम है, उस बने बनाए रास्ते के पीछे चलना तो बहुत सरल होता है। तो ये किसी के यहाँ 10 दिन जा रहे हैं, 20 दिन जा रहे हैं, किसी के घर 10-10 दिन जा कर के चर्चा सुना रहे हैं, लेकिन अब ईमान तो किसी के अंदर भी नहीं है। कहते हैं, पर ईमान बोए बिना क्या करें 300, ईमान ही नहीं है तो 10 बार भी चर्चा सुनेंगे क्या करें। कहते ना, या को कोट बेर प्रमोदिए पर तो भी गले नहीं पत्थर, तो पत्थर दिल है, पत्थर बुद्धि है, दज्जाल जिसकी बुद्धि पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो उनका क्या हो सकता है। लेकिन सुंदर सात कहते हैं, फर्ज आपन ऊपर है पहुँचावने पैगाम। कोई जग रहा है नहीं जग रहा है, कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा है, उसके विषय में लेना देना नहीं। जैसे बादल का काम है गरजना, बादल का काम है बरसना, तो वो बरसते रहते हैं लेकिन उसको ये परवाह नहीं है बरसते हुए बादल को कि कहाँ पानी जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, उसका काम केवल बरसने का है। उसी तरह से कहते हैं, फर्ज आपन ऊपर है पहुँचावने पैगाम, जो कोई ईमान ले आए वहीं सो दाखिल हो इस्लाम, जो ईमान ले आएगा वो निजानंद में वो दाखिल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, तिस वास्ते पैगाम को पहुँचावना ज़रूर, पैगाम पहुँचाना तो अवश्य, कोई जगे ना जगे वो उनकी मर्जी, लेकिन हम अपना फर्ज निभाएंगे, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। अब वहाँ से 4 महीने तक रह करके उन्होंने प्रयास किया, वापस चांदनी चौक में गए और चांदनी चौक से आकर के एक दुलीचंद नाम के व्यक्ति थे उनकी हवेली में जा कर के रहे। अब वहाँ पर भी दज्जाल ने बहुत जोर किया। श्री जी अलग अलग जगह पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जहाँ जाते हैं कुछ दिन रहने के बाद में मुसलमानों का शोर शराबा मतलब विरोध, वो देख करके फिर से जगह परिवर्तन करते हैं। अब श्री जी सहित समस्त सुंदर साथ एक जगह पर बैठे, विचार विमर्श किया और उन्होंने 5 नलवे तैयार किए। नलवे मतलब पत्र, 5 पाती तैयार की जिसमें कयामत की हकीकत लिखी गई थी और उस कयामत की वास्तविकता बताते हुए उसमें लिखा था कि ईसा मसीह, ईसा रूह अल्लाह जाहिर हो चुके हैं, असराफिल जबराइल आ चुके हैं, काना दज्जाल जिसको मुसलमान कहते हैं वो जाहिर हो चुका है, आजूज और माजूज नाम के 2 चूहे हैं वो जाहिर हो चुके हैं, पश्चिम से मगरब से सूर्य उदय हो चुका है, दाबतुल और जानवर जाहिर हो चुका है, ये कयामत के निशान हैं प्रमुख। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे निशानियाँ हैं, 7 निशानियाँ प्रमुख मानी जाती है। तो ये उन नलवों में उन पत्रों में बात लिखी गई थी। तो इसकी वास्तविकता क्या है उसको हम समझते हैं कि अगर पश्चिम में सूर्य उदय हुआ है तो कैसे हुआ है। दाबतुलर जानवर जिसके विषय में कल हमने अंतिम में सुना था कि दाबतुलर जानवर कैसा होता है, उसकी वास्तविकता क्या है, तो उसको हम समझते हैं कि उस पत्र में क्या बातें लिखी गई थी। तो सबसे पहले हम दाबतुलर जानवर से ही शुरू करते हैं।
उस जानवर के विषय में वर्णन करते हुए ये बात लिखी गई है कि उसकी आंखें सुअर की जैसी, गर्दन मुर्गे की जैसी, पीठ गीदड़ की तरह, सिर पर पहाड़ी बैल के सींग, कान हाथी के जैसे, छाती शेर की होगी। तो इसकी वास्तविकता क्या है? क्या ऐसा कोई जानवर आ गया कि अगर कयामत प्रकट हो चुका है तो क्या ऐसा जानवर प्रकट हो चुका है? क्योंकि मुसलमान जब भी नमाज पढ़ते हैं तो इधर उधर देखा करते हैं, दोनों दिशाओं में देखते हैं कि ये दाबतुलर जानवर तो प्रकट नहीं हुआ या फिर काना दज्जाल तो नहीं आया। ये जाहिरी मुसलमान है, जाहिरी रूप में ही देखते हैं, लेकिन ये तो एक बातिनी भेद है। मनुष्य ही वह दाबतुलर्ज है जिसकी प्रवृत्ति पशुवत हो गई है। जैसे हम हमारे ग्रंथों में क्या कहते हैं, ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, उसमें अंतिम में क्या बात कही गई है, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, मनुष्य के रूप में पशु विचरण करते हैं, ऐसा लिखा है। वैसी ही बात कही गई है कि दाबतुलर्ज नाम का ऐसा जानवर प्रकट होगा। इसका तात्पर्य क्या है, भाव क्या है? आंखें सुअर की बताई गई है। सुअर की आंख का क्या तात्पर्य है कि सुअर के सामने कैसी भी अच्छी अच्छी वस्तुएं ला करके रख दी जाए वो कीचड़ की तरफ ही जाएगा, उसको कीचड़ प्रिय है, वो कीचड़ में ही जाएगा, गंदगी में ही जाएगा। वैसे ही आज मनुष्य की प्रवृत्ति क्या हो गई है कि एक बार एक अध्यापक थे, उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर एक ब्लैक काले रंग के मार्कर से एक छोटी सी बिंदी बनाई, छोटा सा एक बिंदु बनाया, और उन्होंने पूछा बच्चों से कि बच्चों ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि हमें वो काली बिंदु दिखाई पड़ रही है। सारे विद्यार्थियों को पूछा, सब कह रहे हैं काली बिंदु दिखाई पड़ रही है। तो अध्यापक ने कहा कि तुम्हें इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा, व्हाइट बोर्ड सफ़ेद बोर्ड भी तो दिखाई पड़ना चाहिए, उनको तो सिर्फ काले बिंदु दिखाई पड़ रहे। तो मनुष्य में प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि किसी के अंदर अगर 10 गुण होंगे और 2 अवगुण होंगे तो मनुष्य 2 अवगुणों को पहले देखता है। होना क्या चाहिए कि हमें सभी के गुणों से सिखापन लेनी चाहिए। एक बार एक महापुरुष कहीं जा रहे थे किसी रास्ते से, वहाँ एक कुत्ता मरा हुआ था, उससे दुर्गंध आ रही थी, सब लोग दूर से बचते हुए जा रहे थे, नाक भौं सिकोड़ते हुए। तो वो महापुरुष वहाँ से गुजरे और गुजरते हुए कहते हैं कि इस कुत्ते के दांत कितने मिले हुए हैं, कितने अच्छे दांत हैं इसके। मतलब क्या कि महापुरुष उस अवस्था में पहुँचे होते हैं कि हर जगह से कोई ना कोई अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी थे, हर जगह से अच्छा ही ढूंढते थे, उनको गुरु मानते थे। आज मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है सब में कमी ढूंढने की, इसीलिए उसको कहा गया सुअर की आंखें। छाती शेर की, छाती हृदय का प्रतीक है, हृदय मतलब दिल जिसको कहते हैं। तो मनुष्य का हृदय इतना कठोर हो गया, जैसे शेर के अंदर दया नहीं है, वह क्रूर है, उसके अंदर क्रूरता है। आज का मनुष्य भी इतना हिंसक हो गया है कि आज स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी को भी मार सकता है। जानवरों को मारना तो उसके लिए आज आम बात हो गई है, उसके स्वाद की पूर्ति के लिए, जीवा के स्वाद के लिए, लेकिन इंसान इंसान को भी मार देता है आज, वो भी बिल्कुल बहुत छोटे छोटे कारणों पर। आज तो समाचार में ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है कि पिता ने बेटे को मना किया कि बेटा तू गेम मत खेल, बेटे ने पिता की हत्या कर दी। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि एक लड़का फ़ोन चला रहा था, अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहा था, उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए बुलाया कि बेटा चल आके खाना खा ले। एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, जब 2 बार बुलाने पे नहीं आया तो 3री बार माँ ने डांट करके बोला कि खाना खाने क्यों नहीं आ रहा है, दिन भर तू फ़ोन में लगा रहता है, ऐसे डांट करके बोला। तो बेटे ने माँ की हत्या कर दी, 2 दिन पहले की घटना है। तो मनुष्य इतना कठोर हो चुका है, क्रूर हो चुका है, इसलिए मनुष्य की इस कठोरता वाली प्रवृत्ति को शेर की छाती कह करके संबोधित किया है। फिर कान हाथी के जैसे, हाथी के कान को सकारात्मक रूप में भी लिया जा सकता है, नकारात्मक रूप में भी लिया जा सकता है। वैसे
यहाँ नकारात्मक रूप में ही बात बताई गई है कि आज के मनुष्य की प्रवृत्ति हाथी के कान की तरह हो गई है। हाथी को आप कितनी भी स्तुति कर लेंगे, आप गजानन कहें, वो देवता कहें, गणेश जी कहें, पुकारें, कोई फ़र्क नहीं, वो शांत है, ठीक है, आपकी बात को सुन रहा है। लेकिन अगर आपने उसका बुरा किया, अगर आपने उस हाथी को गाली दे दी और उसने अगर सुन लिया, उसके सुनने की क्षमता तेज़ होती है, और अगर सुन लिया उसने तो वो आपको मारने के लिए भगाएगा और आपसे दुश्मनी वो उतारना चाहेगा। अब ताकतवर तो होता ही है, इसलिए हाथी को घंटी बांध दी जाती है ताकि उसको दूसरों की आवाज़ सुनाई ना पड़े। ये नकारात्मकता है। सकारात्मकता ये है कि जैसे कई बार ब्रह्म सृष्टियों को भी ये सिखापन दी जाती है कि जैसे छोटे छोटे कुत्ते अगर हाथी पर भौंकते हैं तो हाथी उन पर रिएक्ट नहीं करता, कुत्तों के पीछे वो नहीं भागता, वैसे ही हम सब ब्रह्म सृष्टियों को भी माया भी छोटे छोटे बातों के पीछे न भाग करके हमें अपने लक्ष्य की तरफ शांत होकर के बढ़ना चाहिए। ये सकारात्मक रूप है, लेकिन आज ये प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर नहीं है। अवगुणों को सुन करके उस व्यक्ति के प्रति जीवन भर वो दुश्मनी लगा करके रखता है, बना कर रखता है, इसलिए हाथी के जैसे कान कहे गए हैं। फिर पीठ गीदड़ की जैसी बताई गई है। गीदड़ की जैसी पीठ का क्या तात्पर्य है कि गीदड़ की पीठ अत्यंत कमज़ोर मानी जाती है, उस पर थोड़ा सा भी बोझ रख दो वो बोझ झेल नहीं पाता है गीदड़। इसी तरह से मनुष्य की पीठ आध्यात्मिक रूप से इतनी कमज़ोर हो चुकी है धार्मिक रूप से कि आज अगर लौकिक कोई कार्य करना हो, अगर किसी के घर में कोई शादी हो, विवाह हो, या फिर जन्मदिन की पार्टी रखनी हो, तो मनुष्य लाखों में खर्च कर देता है। किसी की शादी में वो लाखों रुपए खर्च कर देता है और दो दो हज़ार रुपये की वो थाली रखता है, और फिर सैकड़ों लोगों को बुलवा करके लाखों रुपए वो बर्बाद करता है। उसको उसमें कोई नुकसान नहीं दिखता, लेकिन अगर उसको कह दिया जाए कि आप तो धनाढ्य हैं, समाज सेवा के लिए, गरीबों के लिए विद्यालय बनाना है, आप कुछ सेवा दे दीजिए, वो खुल करके नहीं कर पाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा कि 1100 रुपए की रसीद कटवा लो, 2100 रुपए की रसीद कटवा लो, लेकिन किसी की शादी में वो 20-20 लाख, 25-25 लाख, 50 लाख, करोड़ तक खर्च करने के लिए, और जितने अरबपति हैं भारत में वो तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ शादी विवाहों में, और वो भी केवल दिखावे के नाम पर। तो इसीलिए मनुष्य की पीठ धार्मिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है, धार्मिक भार का वहन करने में असमर्थ, इसलिए गिद्दड़ की पीठ बताई गई है। मुर्गे की जैसी गर्दन, आपने मुर्गे को देखा होगा, वो कभी झुकता नहीं है, मुर्गा कभी भी नहीं झुकता। झुकता कब है, अगर नीचे दाना पड़ा हो कोई तो उसको चुगने के लिए झुकता है, फिर से गर्दन वो ऊपर उठा लेता है। वैसे ही मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं है, जहाँ से उसकी कोई स्वार्थ सिद्धि हो रही है उसके सामने ही वो झुकता है। लोगों के सामने तब जाकर के गिड़गिड़ाता है जब उनसे कोई स्वार्थ सिद्ध करना हो, अन्यथा किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए वो कभी नहीं झुकता, केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए झुकता है। इसीलिए मुर्गे की जैसी गर्दन बताई गई है। सिर पर पहाड़ी बैल के सींग बताए गए हैं। पहाड़ी बैल के सींग की क्या प्रवृत्ति होती है कि वो, आपने पहाड़ों में देखा होगा खेती कैसी होती है, सीढ़ीनुमा खेती होती है, तो जहाँ पर बैल खड़ा होता है तो उसके सींग के पास में दूसरा खेत पड़ रहा होता है, तो उसके सींग में खुजली होती रहती है, तो उस सीढ़ीदार खेत के सीढ़ी में वो सींग को मारता है, छोटी छोटी झाड़ियों में वो सींग को मारता रहता है। मतलब क्या कि मनुष्य के अंदर भी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि उसके अंदर एक प्रकार की खुजली है। वो खुजली कैसी कि मैं इतने बड़े पद पर हूँ, अगर बड़ा पद मिल गया तो अपने से छोटे कर्मचारियों को वह सताएगा बिना बात के, जहाँ कोई मतलब भी नहीं होगा। आजकल तो वैसे सरकार बहुत सख्त हो गई है, नहीं तो कोई छोटा कर्मचारी भी होता, पंचायत का भी चुनाव जीतता तो लाल वो सायरन वाली लगा करके गाड़ी में घूमता था, और फिर अपने से छोटे लोगों को सताने की प्रवृत्ति। तो बैल की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर आती जा रही थी। जैसे बैल क्या करता है, और सिर्फ सींग की बात नहीं है, पूंछ की भी अगर मैं बात कर लूँ, जो यहाँ पर लिखा तो नहीं गया है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये बात है कि जानवर क्या करते हैं, अपनी बैल क्या करता है, या कोई भी जानवर हो, अगर उसकी पूंछ है
और उस पूंछ के दायरे में कोई भी छोटा सा प्राणी बैठ रहा तो उसको बैठने नहीं देता है पहला, और दूसरा सींग से वो अपने से कमज़ोर प्राणी को मारता है। वैसे ही मनुष्य भी वैसा ही कर रहा है, अपना जो दायरा है उस पर वो किसी का कब्जा नहीं होने देता, वो मरते दम तक एक फुट ज़मीन के लिए भी वो लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। और फिर किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को सताने की प्रवृत्ति जो होती है, एक अगर कोई ज्ञानी हुआ, मतलब किसी के पास ज्ञान अधिक है लेकिन सज्जनता नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने से कम ज्ञान वाले लोगों को सताता रहेगा, परेशान करता रहेगा कि तुझे कुछ नहीं आता है, ये मूर्ख है, ये बेवकूफ़ है, अज्ञानी है, सबको वो मूर्ख समझता है। अगर अच्छा रूप मिल गया, आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे महापुरुष अथवा महान लोग हैं, पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी, इसलिए मैं महान लोग कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे महान लोग हैं कि अगर उन्हें थोड़ा सा अच्छा रूप मिल गया तो वो सोचते हैं कि बाकी सब लोग मेरे से कुरूप हैं। और यहाँ तक समाज में बातें सुनने को मिलती है कि अगर किसी को गोरी चमड़ी मिल गई, मतलब अगर गोरे रंग का शरीर अगर किसी को नसीब हुआ इस संसार में, तो सोचते हैं कि काले लोग मेरे आसपास भी नहीं आने चाहिए, और अपने तरफ से वो व्यवस्था किए रहते हैं, अपने आसपास के निकट नज़दीकी लोगों को ये गाइडलाइंस दिए रहते हैं कि काले लोग मेरे आसपास में नहीं आने चाहिए, ये कौन सी रहनी है। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो भी अगर लगता है कि अपने से कमज़ोर है उसको सताने की प्रवृत्ति, ये है पहाड़ी बैल के सींग। तो ये दावतुलर जानवर के लक्षण हैं। इसी तरह से आगे बताया गया आजूज और माजूज का जाहिर होना, जिसके विषय में हम पहले भी सुन चुके हैं शाहजहांपुर के प्रसंग में, कि आजूज और माजूज रूपी दो चूहे हैं, किस तरह से वो दिन और रात के रूप में मनुष्य की आयु को छीण करते रहते हैं। तो दिन ब दिन कयामत नज़दीक आती जा रही है, इस संसार की भी आयु छीण हो रही है, कम हो रही है। तो ये है आजूज माजूज, क्योंकि इसकी व्याख्या पहले हो चुकी इसलिए मैं इसकी व्याख्या अधिक नहीं कर रहा हूँ। आगे है उगा सूर मगरब, मगरब का मतलब पश्चिम, मशरिक कहते हैं पूरब को और मगरिब कहते हैं पश्चिम को। पश्चिम से सूरज उगना कयामत की निशानी बताई गई है। आपसे मैं सवाल पूछूं कि सूर्य पूरब से उगता है कि पश्चिम से उगता है, सब लोग कहेंगे सूर्य कहाँ से, पूरब से उगता है, ठीक है। सूर्य से दिशा का निर्धारण है अथवा दिशा से सूर्य का, सूर्य के द्वारा ही दिशा निर्धारित की गई है ना। अगर आज सभी लोग एक यूनिवर्सल नियम लागू कर दें कि आज से हम इसको, मतलब जिधर से सूर्योदय हो रहा है जिस दिशा से, उस दिशा को पश्चिम कहना शुरू कर देंगे, तो फिर उससे उसके हिसाब से सभी चीज़ों को परिवर्तित करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पहले सूर्य है, बाद में दिशाएं हैं, ठीक है। तो जिस दिशा में सूर्य उदय हो रहा है उससे विपरीत दिशा को क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं ना। वैसे ही यहाँ पश्चिम से सूर्य उगने का तात्पर्य यह है कि परमधाम के ज्ञान का अवतरण कुरान के रूप में पहले अरब देश में अवतरित हुआ मुहम्मद साहब के द्वारा, अब उससे विपरीत भारतवर्ष में एक हिंदू तन में हिंदी भाषा में जब अवतरित हो रहा है, तो ये तो उल्टा हुआ ना। पहले ज्ञान का सूर्य उदय हुआ जहाँ पर, उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में आखिरी समय में इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान अवतरित हुआ, जिसको कहा गया पश्चिम से सूर्य का उदय होना। अब अगली निशानी क्या है, काना दज्जाल, काना दज्जाल का गधे पर सवार होना। और ऐसा कहते हैं कि सातों समुंदर का जो पानी है वो उस गधे के घुटने घुटने तक आता है। इसका तात्पर्य क्या है, पहले समझते हैं गधे को। इस समाज में गधा मूर्खता का, अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। कोई भी अगर कोई मूर्खता करता है तो उसको बोलते हैं कि अरे गधे ऐसा क्यों कर रहा है, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। तो
गधा अज्ञानता का, मूर्खता का प्रतीक है, वैसे वो परिश्रम का भी प्रतीक है सकारात्मक रूप में ले तो, लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उस हिसाब से उसको अज्ञानता का, मूर्खता का प्रतीक मान लिया गया। काना दज्जाल किसे कहा गया है? काना का मतलब होता है जो एक आँख से ही देख पाता है। वैसे तो दो आँखें होती है सबकी, बाह्य और आंतरिक। बाहर की दो आँखों को एक ही मान लिया गया है, तो बाहरी आँख से सब लोग देखते हैं, अंदर की आँखें सबकी बंद है। तो अगर जिस जिस की आँखें बंद है इसका मतलब यह है कि वह काना दज्जाल का स्वरूप है। और अंदर की आँखें बंद होने का क्या तात्पर्य है कि अगर हिंदुओं के बीच में श्री जी पहुँच रहे हैं, आगे अगर हिंदुओं के बीच में पहुँचते हैं तो वो बाहर से ही देखते हैं कि ये वेशभूषा तो इन्होंने अलग से धारण कर रखी है, ऐसी वेशभूषा तो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी, वो बाहर से देख करके वर्णन करते हैं। जैसे एक प्रसंग आता है ना, अष्टावक्र ऋषि एक बार जनक के दरबार में गए थे तो वहाँ उनको देख करके सब लोग हंसने लग गए, तो उनकी हंसी को देख करके अष्टावक्र समझ गए और उन्होंने कहा कि मैंने तो सोचा था कि राजा जनक के दरबार में सब ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, लेकिन यहाँ तो सब चर्मकार बैठे हुए, चमार बैठे हुए हैं। अब ये सुनकर के सबको गुस्सा आया, सब ने कहा कि ऐसा हमारा अपमान क्यों किया। तो उन्होंने कहा अष्टावक्र जी ने कि अगर आप विद्वान होते तो मुझे आत्मभाव से देखते, आत्मा की दृष्टि से देखते। अगर आप मेरे इस चमड़े के इस बाह्य शरीर को देख करके हंस रहे हैं, इसका मतलब आप तो चमड़े की पहचान कर रहे हैं, तो जो चमड़े की पहचान करता है वो चमार ही तो हुआ। इसी तरह से चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, श्री जी को केवल बाह्य रूप में देख रहे थे, तो जो केवल बाह्य रूप में देखते, मुसलमान क्या कर रहे थे? काना दज्जाल कोई अलग से कोई शक्ति नहीं है, जिनकी भी केवल बाह्य आंखें खुली है, जो मुसलमान श्री जी को ये कह रहे हैं कि बात तो सच है लेकिन ये बातें हिंदी में लिखी गई है, बात तो सच है लेकिन ये हिंदू तन में है, इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो बाहरी वेशभूषा को देखना, बाहरी केवल भाषा को देखना, ये बातें परिचायक है काना होने का, मतलब एक आँख होने का। तो काना दज्जाल गधे पर सवार होने का क्या तात्पर्य है कि जिनकी भी बाहरी आँखें ही खुली होंगी, अंदर की आँखें बंद होंगी, वो मूर्ख ही होगा। जो केवल बाह्य वेशभूषा से किसी की पहचान करता है तो यह मूर्खता का प्रतीक है। और सात समुंदर का पानी उसके घुटने तक आने का जो वर्णन है ये आलंकारिक है। और इसमें क्या अलंकार बताया गया है कि दज्जाल की पहुंच, अर्थात अज्ञानता का विस्तार इतना है, इतना बड़ा है। सोचिए कि सातों समुंदर का जल अगर घुटने घुटने तक आ रहा होगा तो इतना बड़ा जानवर कितना होगा, मतलब संपूर्ण मंडल अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अज्ञानता ने घेरा हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ही यह मूर्खता या अज्ञानता व्यापक है और सभी लोग ही केवल बाह्य रूप से देखते हैं, इसीलिए इनको काना दज्जाल कहा गया है जो गधे के ऊपर सवार है। आज जाहिरी मुसलमान, क्योंकि उनकी तो खुद की बाहर की आँखें हैं ना, तो बाहर की आँख से ही देखते हैं, नमाज पढ़ते हुए दोनों तरफ देखते हैं कि कहीं दज्जाल तो नहीं आ रहा है, इतना बड़ा दज्जाल है तो वो देखने का प्रयास करते हैं। तो ये निशानी हुई। दाबतुलर जानवर को हमने समझा, पश्चिम में सूर्योदय होने को हमने समझा, आजूज माजूज को हम पहले समझ चुके हैं, ये अब काना दज्जाल के विषय में भी हम समझ चुके हैं। अब असराफिल जबराइल कहते हैं, असराफिल जबराइल उतरे अरस से। जबराइल क्या है? राज्य के जोश की शक्ति, जो जोश की शक्ति ज्ञान का यहाँ पर प्रगटीकरण करा रहा है, तो वह शक्ति जबराइल अब प्रकट हो चुका है क्योंकि उन्हीं के द्वारा ब्रह्मवाणी आ रही है। दूसरा है असराफिल। असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता है और उस असराफिल के विषय में कहा गया है कि कयामत के समय में दो कयामत बताए गए हैं, कयामत दो बार होगी ऐसा कहा गया है। तो पहली कायमी ज्ञान से होगी, दूसरी कायमी स्वरूप से होगी। जब हम वाणी पढ़ते हैं, जब हम नारियल फोड़ते हैं ना, तो अंतिम चौपाई कौन सी पढ़ते हैं? एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे ही में कायम किए। तो असराफिल जब सुर फूकेगा तो पहली बार जब सुर फूकेगा तो बड़े बड़े पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, ऐसा उसमें कहा गया है। तो जब ज्ञान का अवतरण हो रहा था, जिस समय में ज्ञान की कायमी हो रही थी, तो उस समय में बड़े बड़े पहाड़ जैसे जो लोग हैं, जिनकी समाज में इतनी बड़ी महिमा थी,
ये सभी लोग श्री जी के सामने ज्ञान दृष्टि से पराजित होते हैं। उनको कहा गया बड़े बड़े पहाड़ों का रुई की तरह उड़ जाना। और जब दूसरी बार सूर फूकेगा इतनी तीव्रता से जागनी का कार्य होगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण विश्व में तारतम्यवाणी फैल जाएगी और फिर स्वरूप की कायमी होगी योग माया के ब्रह्मांड में। और इसी बात को बाइबल के अंदर भी दर्शाया गया है। बाइबल में भी ये बात दर्शाई गई है कि वह जो परमात्मा है वह आएगा तो उसका जो फरिश्ता है वह फरिश्ता सूर फूकेगा। ये बात बाइबल और कुरान में समान रूप से लिखी गई है। तो असराफिल और जबराइल दोनों जाहिर हो चुके हैं। और अब कहते हैं हजरत ईसा आइया, मोहम्मद साहब आखिरी मोहम्मद आ चुके हैं, आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमाम के रूप में। साहिबुज्जमाम का मतलब जमाने का जो साहिब है, जमाना मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का सारी दुनिया का जो साहिब है मालिक है वो जाहिर हो चुका है। और ईसा, ईसा अर्थात श्यामाजी, राजजी और श्यामाजी दोनों जाहिर हो चुके हैं। श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके अब दोनों स्वरूप युगल स्वरूप बैठ करके लीला कर रहे हैं और वही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी के रूप में जाहिर हुए। जिनको वेद पक्ष में अथवा जिनको हिंदुओं में विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहकर वर्णित किया गया है उन्हीं को कतेब पक्ष में आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी कहा है। सिर्फ भाषा का भेद है। इसको अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो क्या होता है, आखरुल मतलब आखिरी समय के, अंतिम समय के, इमाम का मतलब होता है धर्मगुरु, मोहम्मद जो महिमा से परे है, और साहिबुज्जमा मतलब जो जमाने का साहिब है, जमाने का मालिक है, वह अंतिम धर्मगुरु जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है और जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति प्राप्त होनी है, ऐसे अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी प्रकट हो चुके हैं। और सनंद ग्रंथ के अंदर यह प्रकरण है जब आया इमाम आखिर वाले, उस प्रकरण में श्री प्राणनाथ जी के जाहिर होने के बाद क्या क्या घटनाएं होंगी वो सारी घटनाओं का जिक्र, सारी घटनाओं का वर्णन उसमें किया गया है। तो कयामत के इन सातों निशानियों को लिख करके पांच नलवे तैयार किए गए कुरान की हदीसों की साक्षी दे करके, क्योंकि कुरान में क्या लिखा था कि खुदा ने कहा कि मैं कल को आऊँगा, फरदा रोज को मैं आऊँगा। तो इस बात को भी उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से खुदा का दिन एक और दुनिया के साल हजार, और खुदा की अगर एक रात है तो दुनिया के साल सौ, तो कुल मिलाकर के कल में दिन और रात को मिलाकर के 1100 साल होते हैं। तो 11वीं सदी में किस तरह से श्री प्राणनाथ जी संसार में जाहिर हुए, ये सारी साहिदियाँ कुरान और हदीसों के लिख करके कांजी भाई को कासिद बना करके, कासिद मतलब संदेशवाहक, आज के ज़माने में जैसे पोस्टमैन होते हैं, संदेशवाहक बना करके भेजा। और पांच लोगों पर, एक नलवा शेख इस्लाम पर, दूजा रिजवी खान, शेख इस्लाम रिजवी खान, तीसरा शेख निजाम, चौथा आकिल खान और पांचवा सिद्दीक फौलाद। तो इन पांच लोगों पर पांच नलवे भेजे गए। सबसे पहले काजी शेख इस्लाम पर जब पहुँचाया नलवा तो उन्होंने पूछा कि ये किसने लिखा, तो कांजी भाई ने कहा कि ये तो एक फ़कीर हैं, पहाड़ी पर रहते, उन फ़कीर ने मुझे दिया है। और हम तो कहते हैं हम कासिद पेटार्थू, हम तो पेट के लिए, पेट पालने के लिए संदेश इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं, आपको मैं संदेश दे रहा हूं, वो हमें तब पैसा देंगे जब आप इस संदेश का उत्तर दे देंगे, ऐसा उस साधु ने कहा है। इसीलिए कहते हैं हम मेहनत तिनकी करें, गांठ से छोड़ के देवे ग्रथ, हम पैसे के लिए मेहनत किया करते हैं, हमें तो पहाड़ से एक फ़कीर ने भेजा है। तो उन्होंने पूछा कि सिर्फ मेरे लिए भेजा है या फिर औरों के लिए भी, उन्होंने कहा कि चार नलवे और हैं, चार पत्र और हैं, चारों के नाम बताए। शेख इस्लाम को उन्होंने चारों के नाम बताए कि शेख निजाम, सिद्दीक फौलाद, आकिल खान और रिजवी खान, इन चारों के लिए भी पत्र देना है। अब शेख इस्लाम के बाद शेख निजाम के पास पहुँचे, वहाँ जाकर के भी उन्होंने उसी तरह से सारी बातें पूछी, सारी बातें उन्होंने उसी तरह से जवाब दिया। अब उन्होंने जवाब भी मांगा कांजी भाई ने, तो कहते हैं कि ये मेरा अकेले का काम नहीं है, मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, और लोगों से जवाब लेकर के आओ तो मैं दूंगा। इस तरह से आगे गए, आगे जाकर के पहुँचते हैं आकिल खान के पास। आकिल खान नाम के अनुरूप अपने आप को अकलमंद समझता था,
अपने आप को बुद्धिमान समझता था, उसने कहा कि हमारा नाम तो इसमें है ही नहीं, तो हम कैसे मान ले कि ये हमारे लिए ही चिट्ठी भेजी गई है, हम नहीं लेते। उसने लेने से ही मना कर दिया वापस। उसके बाद रजवी खान के पास गए, रजवी खान के पास जा कर के उन्होंने पूछा, रजवी खान ने, कि और लोगों के लिए भी है या फिर सिर्फ मेरे लिए। उन्होंने फिर से जवाब दिया कि 5 लोगों के लिए भेजा है, 2 को मैं पहले दे चुका हूँ, 1 ने मना किया, आप चौथे हैं। वहाँ से चल करके फिर सिद्दीक फौलाद के पास गए जो कि कोतवाल था। कोतवाल ने भी वो चिट्ठी ले ली। अब 5 के पास पैगाम पहुँचाया उन्होंने और फिर वापस सुंदर साथ के बीच में आए, तो सुंदर साथ ने पूछना शुरू किया कि सबका रिएक्शन क्या था, सबकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो उन्होंने कहा कि एक आकिल खान ने लेने से मना कर दिया है और बाकी 4 लोगों ने ले तो लिया है, लेकिन कहते हैं कि हमें जवाब देने में समय लगेगा, हम सभी ज्ञानी लोग मिल करके आपस में विचार विमर्श करेंगे तभी इसका जवाब दे पाएंगे, तो उन्होंने समय की मांग की है। अब ये सारी बातें लेकर के श्री जी के पास पहुँचे, श्री जी ने सारी बातें सुनी कांजी के मुख से। अब श्री जी ने आदेश दिया कि आज से प्रतिदिन आप प्रत्येक दरबारी के चक्कर लगाइए, प्रत्येक दरबारी के घर में जाइए और जाकर के इससे उत्तर की तलब कीजिए, उत्तर की मांग कीजिए। अब आगे कांजी भाई जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के घर में, कौन जवाब देता है कौन नहीं देता है, और जवाब अगर किसी ने दिया है तो किस प्रकार का जवाब दिया है, इसकी चर्चा। और इसके बाद अगर इन 5 लोगों तक संदेश पहुंचाने के बावजूद भी किस तरह से औरंगजेब की जागृति नहीं हो पाती है, तो औरंगजेब तक ही पहुंचने का वो प्रयास करते हैं, औरंगजेब से कैसे मिलते हैं, मिलने के बाद औरंगजेब की प्रतिक्रिया क्या रहती है, इतना कठोर था वो जिसने छोटी सी बात पर बहाना बना करके जसवंत सिंह को मरवा डाला था सिर्फ अपने एक अपमान के नाम पर, तो वो सुंदर साथ के साथ कैसा व्यवहार करेगा आगे, इन सब की चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दो रहिए। श्री महामती कहे सुनो मोमिनो, ए नलवों की बीतक, अब कहो आगे परियान की, कहो सो हकीकत, कहो सो हकीकत। बोलो श्री प्राणनाथ।